हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। समर का ये सीजन, जिसमें जून का मंथ हम गार्डनर्स के लिए बहुत मुश्किल टाइम होता है, और इस वक्त फर्स्ट वीक में मेरे यहाँ क्या क्या हो रहा है और किन पौधों को नुकसान पहुंचा है और किन को बचाने में मैं सक्सेसफुल हुई हूँ, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अपने गार्डन को बचाने की जद्दोजहद में कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और हम लोग एक दूसरे के साथ मिल करके और शायद इस नेचर के साथ भी अपना तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ककड़ी की जो बेल मैंने दिखाई थी आप लोगों को, जिससे मुझे बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग हुई। तकरीबन 3 बार मैंने उसे हार्वेस्टिंग ली है, और उसके बाद अचानक इतनी ज्यादा गर्मी होने लगी कि मेरा ये बेल तकरीबन तकरीबन सूख चुका है। आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ देखें आप, और ये देखें, ये जो बेल जा रही है ये बिल्कुल सूखी सूखी सी लग रही है। यहाँ पे आप देखें, ऊपर ऊपर देखते जाएं, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे नए शूट निकल रहे हैं। ये देखें, ये शायद वो मैं आप लोगों को जो ठंडी खाद दिखाती हूँ बनाना, जिस तरह से पेस्ट कंट्रोल दिखाती हूँ, जिस तरह से इस हीट को कंट्रोल करने के लिए मैं क्या क्या करती हूँ, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करती रहती हूँ। अगर हम लोग इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो हो सकता है कि हमारे प्लांट कुछ दिन आपको ऐसा लगेगा कि सर्वाइवल मोड में है, लेकिन अगर उनकी रूट ठीक है तो उसमें फिर से फुटाव आता है और फिर से वो चल पड़ते हैं। तो इसलिए गर्मी में अगर आपके प्लांट झुलसे हुए हैं, अगर उनकी पत्तियां बर्न हो रही हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि आगे आने वाला जो 1 मंथ है उसमें अगर आपने अपने पौधे को प्रोटेक्ट कर लिया तो आप देखेंगे कि जैसे ही बारिश होगी आपका प्लांट फिर से लहलहा जाएगा और जो सब्जियां आपको गर्मी में नहीं मिल रही थी वो फिर से मिलनी शुरू हो जाएंगी। मैं आप लोगों को खरबूजे की अपनी वो बेल दिखाना चाहती हूँ जिसकी हार्वेस्टिंग भी मैंने आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, और उसमें बहुत बढ़िया खरबूज बने हुए थे। और जब मैंने हार्वेस्ट कर लिया उसके बाद देखें कि इस बेल की नीचे की जो पत्तियां हैं वो बहुत खराब कंडीशन में हैं। लेकिन इस तरह से जब चीज़ें होती हैं तो हमें घबराना नहीं है, क्योंकि आप देखें ये प्लांट आगे जाते जाते मेरे इस करौंदे के प्लांट पे ये चढ़ा हुआ है, और आप नीचे देखें, मुझे तो कुछ दिन बाद ये दिखा, मुझे लग रहा था कि अब ये मेरा प्लांट फ्रूटिंग नहीं करेगा, लेकिन आप देखें कितने खूबसूरत ढंग से ये चल रहा है और बहुत जल्दी जल्दी बड़े होते हैं। हालांकि अभी जो इतनी ज़्यादा हीट है इसमें कुछ टाइम के लिए इनकी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन फिर भी हमें पेशेंस रखना है और अपने प्लांट को ठंडी खाद, एंजाइम और इन सब चीज़ों के स्प्रे से और मिट्टी में डालने से हम अपने प्लांट को इतनी भीषण गर्मी में और लू की तपिस में भी बचा सकते हैं। मैंने अपने गार्डनिंग के इतने दिनों में एक्सपीरियंस किया है कि जो हाइब्रिड सीड हम लगाते हैं उससे प्रोडक्शन तो हमें बहुत अच्छा मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब जो देसी बीज हम लगाते हैं वो हमारे भीषण गर्मी को भी बर्दाश्त कर लेते हैं, और ये हाइब्रिड में हमें तरह तरह के आइडियाज लगाने पड़ते हैं, तरह तरह की तरकीबें निकालनी पड़ती हैं, तब जा करके बहुत मेहनत के बाद ये इस तरह की गर्मी में बच पाते हैं। अभी मैं आप लोगों को, और एक चीज मैंने देखा है, जितने भी हाइब्रिड वाइन्स हैं उनमें खरबूजा जो होता है वो ज्यादा दिन तक सस्टेन करता है। मैंने आपको दिखाया कि मेरी ककड़ी की बेल की हालत किस तरह की हो गई है, और एक दो तो मेरी सूख भी गई हैं, लेकिन खरबूजा अभी अच्छा फ्रूट दे रहा है। यहाँ पे जितनी भी बेलें लगी हुई हैं ये सब हाइब्रिड वैरायटी की बेलें हैं, इसमें बहुत जल्दी तकरीबन 1 महीने होते होते फ्रूटिंग होनी शुरू हो जाती है, ये इसकी खास बात है। और आप देखें बहुत सारे खरबूजे मैंने हार्वेस्ट किए हैं और आप लोगों को अपनी वीडियोस में दिखाए भी हैं। यहाँ देखें ये छोटे छोटे खरबूजे बन रहे हैं, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, हालांकि इसका कंटेनर बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी इसमें मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है। और एक देखें, एक यहाँ छुपा हुआ है, ये देखें ये वाला, और भी छोटे छोटे बहुत सारे बन रहे हैं। और देखें कुछ मेरे जो बहुत अच्छे बन रहे थे उनकी ये हालत हो गई है, ये देखें, ये गर्मी का असर है। अगर गर्मी इतनी नहीं होती तो जितने खरबूजे लगे थे तकरीबन तकरीबन उनमें से मैक्सिमम
ग्रो हो जाते हैं, इस तरह की स्थिति नहीं बनती है। इस तरह की स्थिति 48-49 डिग्री टेम्परेचर में ही बनती है, जो इन दिनों हमारे एरिया में चल रहा है। अब देखें, अब आपको अपने लौकी की बेल दिखा रही हूँ, जो इतना सुंदर मेरी इस हट पे चढ़ता चला जा रहा था। उसमें से एक लौकी भी मैंने हार्वेस्ट की थी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। और यहाँ देखें, वो बिल्कुल बुरी तरह से, उसकी जो टहनियाँ हैं आप यहाँ देख सकते हैं, ये सूखती चली गई। ऊपर देखें, ये ऊपर तक गया हुआ था, ये सारी सूख गई। मैंने सारे होप छोड़ दिए थे, लेकिन उसके बाद मैंने इसकी केयर की और इसमें कुछ काम किए, तो अब देखें इसमें नए सूट निकले हैं और नीचे इसकी जड़ें बहुत स्वस्थ हैं। आप देख रहे हैं वहाँ पे जो पत्तियाँ निकली हैं, कितनी सुंदर और कितनी अच्छी हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्लांट मेरा अब बच जाएगा। अब देखें, मेरे गार्डन में ये बड़ा सा एक ग्रो बैग है, जिसमें मैं उस तरह की सब्जियां लगाती हूँ जिनको बहुत ज्यादा मिट्टी की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम की जरूरत होती है। तो इसमें मैं अक्सर हर साल इस मौसम में मैं येलो वाले पंपकिन लगाती हूँ और मुझे बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग भी मिलती है। मैं उसकी पत्तियों के लिए उसे ज्यादा लगाती हूँ, लेकिन इस बार मुझे एक भी पत्ती नहीं मिली है। मैंने मेरी, अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा, ये हाइब्रिड वैरायटी के जो इस तरह के प्लांट होते हैं, इसमें कीड़ों का अटैक भी मैंने देखा है बहुत ज्यादा होता है। थोड़ी सी मेरी नेग्लिजेंस कह लें या जो भी कह लें, उसकी वजह से अचानक दो ही दिनों में सारे उसके लीव्स पे कीड़ों का अटैक हो गया, स्पेशली जो स्पाइडर माइट्स हैं उनका अटैक हो गया। और मेरा वो प्लांट किस कंडीशन में है वो मैं दिखाना चाहती हूँ। हालांकि बहुत बढ़िया इसमें फ्रूट मिला मुझे, लेकिन एक ही फ्रूट मिला और मैं सोच रही थी कि मैं इसे बचाने में कामयाब हो गई, तो अगली बार इसमें से फिर फ्रूटिंग होगी, नए लीव्स निकलेंगे। मैं इस पर काम भी कर रही थी, लेकिन देखिए मैं इसे बचा नहीं पाई। मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ, चाहे रिजल्ट अच्छा हो या बुरा हो, मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। और सक्सेस ही हमेशा नहीं मिलती है हमें, कभी कभी ऐसी भी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो देखें, मेरी ये बेल पूरी तरह खराब हो गई। और एक और एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ, पिछले साल मैं गाँव से इसके बीज लेके आई थी, देसी बीज, और वो इतना टफ होता है कि इतनी ज्यादा टेम्परेचर में भी आपका वो चलता रहता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर कहीं भी किसी गांव से, किसी ऐसे किसान से आप लोगों को देसी बीज मिले तो जरूर लगाएं, क्योंकि वो इस तरह की कंडीशन को झेलने के लिए उसी तरह से बने होते हैं, इसलिए ये बेहतर विकल्प है। जहां जहां मुझे लगा कि मेरे प्लांट खराब होने की स्थिति में है, वहां वहां मैंने तरबूज के कुछ सीड डाल दिए। ये वही तरबूज है जो हम घरों में खाते हैं, इस समय मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं। आप चाहें तो उसके सीड लगा सकते हैं, क्योंकि मेरा जब भी मैंने तरबूज लगाया है वो सितंबर के मंथ में बहुत अच्छे हुए हैं। और उससे पहले आप चाहे कुछ भी कर लें, मेरा बहुत सारा प्लांट खराब हो गया, अभी मैं दिखाऊंगी। लेकिन देखें, सीड जगह जगह डालने से इतनी भीषण गर्मी में भी इसके प्लांट किस तरह से उग रहे हैं। अगर अभी 15 दिन हमने इसे बचा लिया तो फिर आगे, ये फ्लावर प्लांट है और ये देखें, ये तरबूज के सीड मैंने डाले थे, उसके सैपलिंग है और ये बहुत हेल्दी प्लांट उगा हुआ है, इतनी गर्मी में भी सरवाइव कर रहा है। और जो मैं बहुत पहले लगाई थी तरबूज, उसकी हालत आपको दिखाती हूँ कि कैसी हो रही है। यहाँ देखें, यहाँ भी मैंने एक तरबूज के सीड लगाए थे और बहुत सुंदर ये प्लांट ग्रो हो रहा था, लेकिन अचानक मैं देख रही हूँ कि पिछले 4-5 दिनों में जब बहुत ज़्यादा हीट वेव चल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, तो इसकी हालत देखें। हालांकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसे बचा पाऊँ, अगर मैं इसे बचाने में कामयाब हो गई तो ये प्लांट बहुत जल्दी 15 दिनों के बाद, जैसे ही मानसून की एक बारिश होगी, ये प्लांट सर्वाइव कर जाएगा और फिर फ्रूटिंग भी होगी इसमें। फिर देखें, यहाँ पे एक सीमेंट का पॉट है, ये देखें तकरीबन 14 इंच का पॉट है और इसमें मैंने ककड़ी की बेल लगा रखी है। यहाँ आप इसके फ्लावर और फ्रूटिंग देख रहे होंगे, ये देखें ये छोटे फ्रूट बनते हुए आपको दिख रहे हैं ये, और इसके फ्लावर देखें, ये फ्लावरिंग तब शुरू हुई है जब मैंने इसमें एलोवेरा का एंजाइम डाला है। और एलोवेरा का एंजाइम मैंने आप लोगों को बनाना दिखाया है पिछली ही किसी वीडियो में, वो जरूर देखें, क्योंकि इस हीट में वही एक ऐसी चीज है जो हमारे प्लांट को बचा सकती है। इसके साथ ही एक और मैं प्लांट आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, उसे भी मैंने अभी रेस्क्यू किया है क्योंकि बहुत खराब कंडीशन थी और वो भी अपने अब सर्वाइवल मोड में था, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें, यहाँ पे देखें, ये मेरे तोरी की बेल है।
जिसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि मुझे नहीं लगता था कि ये बच पाएगा, लेकिन देखें इसमें नई पत्तियां निकल रही हैं और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि इसके साथ साथ ये वीड भी उग रखे हैं। इसको मैंने नहीं निकाला है क्योंकि छोटा सा प्लांट है, बहुत ज्यादा मिट्टी है, तो अगर पानी थोड़ी बहुत ज्यादा भी हो जाती है तो ये वीड उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये छोटी छोटी टेक्निक है जिसे आपको अपनाना चाहिए। और यहाँ देखें मैंने ये सूखी घास से इसे मल्च भी कर रखा है क्योंकि ये पूरा ओपन एरिया है और यहाँ पे कोई शेड नहीं लगा हुआ है, तो ये उपाय करके हम इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये एलोवेरा का एंजाइम है और इसे ही मैं अपने प्लांट में डालती हूँ इन दिनों, जिससे कि मेरे प्लांट की जो मिट्टी है वो ठंडी रहती है, वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी बढ़ गई है और इसकी वजह से ये एंटीबैक्टीरियल भी होता है। इसकी वजह से जो मिट्टी में बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, गर्मी में बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं, उन सब का कंट्रोल है ये, तो इसे जरूर बनाएं। तो ये थी मेरी समर वेजिटेबल की छोटी सी अपडेट। और ये जो चीजें होती हैं जैसे प्लांट सूख रहे हैं तो ये सबके साथ होता है, और हमें क्या करना है कि सिर्फ जैसे प्लांट सूख रहे हैं तो हमें दूसरा लगाते जाना है, उनको प्रोटेक्ट करते जाना है, बस हम यही कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर, थैंक यू।